क्लास फिफ्थ जीके लेसन टू डीप सी क्रीचर्स। डीप सी क्रीचर्स का मतलब होता है, क्रीचर्स का मतलब होता है आप लोग एनिमल्स बोल सकते हैं। डीप सी क्रीचर्स ऐसे क्रीचर्स जो बहुत बहुत डीप में रहते हों सी के। द टर्म डीप सी क्रीचर्स रेफर टू ऑर्गेनिजम्स दैट लिव बिलो द फोटिक जोन ऑफ द ओशन। डीप सी क्रीचर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो ओशन में फोर्टिक जोन में होते हैं। फोर्टिक जोन का मतलब होता है काफ़ी नीचे सी में, ऐसा प्लेस जहाँ पे सनलाइट निग्लेजबल हो, 1% से भी नीचे, और वहाँ पे लाइट निग्लेजबल होता है, ऐसे प्लेसेस को बोलते हैं फोर्टिक जोन। These mammals have evolved to survive the extreme pressure of subphotic zone. ये animals evolve होते हैं, मतलब अपने आप को adapt कर चुके होते हैं to survive the extreme pressure. वो इस तरीके से ढले होते हैं कि वो पूरे अपने ऊपर के पूरे water के pressure को वो झेल सकें। Here are giving some pictures with their names of deep sea creatures. यहाँ पे कुछ डीप सी क्रीचर्स को पिक्चर एंड नेम के साथ दिखाया गया है। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट डेम, उसको देखो। बिग रेड जेली फिश, बच्चों इसमें कुछ है नहीं, आप लोग को बस सिंपली सभी एनिमल्स सभी क्रीचर्स के नेम को एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना है ताकि कभी कोई पूछे वेदर दिस एनिमल्स बिलोंग्स टू डीप सी क्रीचर्स, अतः आप इतना बता सकें कि यस और नो। नेक्स्ट वैम्पिक्स स्क्विड टर्टल स्टारफिश सी हॉर्स सिमेर फ्रिल्ड स्कार्ट चार्ट ऑक्टोपस केंट आइसोपॉड फैंग टूथ। बच्चों ये सब एग्जांपल्स हैं डीप सी क्रीचर्स के। कटल फिश हैज टू हर्ट्स। फाइल फैक्ट्स, कटल फिश एक फिश है जिसके पास टू हर्ट्स होते हैं। एंड ऑक्टोपस हैड 8 आर्म्स, ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होते हैं।